subscribe to our channel and press the bell icon for the receiving notification. नमस्कार दोस्तों, रेस आईएएस के इस यूट्यूब अंक में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली हमने डेडिकेट किया है उन सभी स्टूडेंट्स को जो कि अपने मन में आईएएस बनने का सपना रखते हैं, जिनके मन में ये इच्छा है कि वो आईएएस बनकर अपने समाज, अपने परिवार और अपने दोस्तों के लिए कुछ कर पाएं। दोस्तों, इस अंक में हम आपको बताएंगे कि सिविल सर्विसेज की तैयारी में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करते समय आपको किन किन पड़ावों से गुजरना है, किस पड़ाव में आपको किन बातों का ध्यान रखना है और आखिर सबसे महत्वपूर्ण कि जब हम ये तैयारी कर रहे हों तो हमारी स्ट्रैटजी, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात हमें इस एग्ज़ाम की जो अपने दिमाग में रखनी है कि जब हमारे दिमाग में एक सपना होता है कि हम आईएएस बनना चाहते हैं, तो आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अब इस एग्ज़ाम को जो कंडक्ट कराती है वो संस्था है, उसका नाम है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। यही वो संस्था है जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है। दोस्तों, इस संस्था के द्वारा जून माह में प्री एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है सिविल सर्विसेज का, सितंबर में आपका मेंस एग्जामिनेशन और उसके बाद इंटरव्यू एंड देन फाइनल रिजल्ट। तो आज सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है वो कितने चरणों में होता है और इसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है उसे उस यूपीएससी कंडक्ट कराती है और ये तीन स्टेप में कंप्लीट होता है, प्री, मेंस, इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार। दोस्तों, जो आपका प्री एग्जाम होता है वो 400 मार्क्स का होता है। चार सौ अंकों का होता है और मेंस 1750 अंकों का। साथ ही साथ आपका जो इंटरव्यू होता है वो 275 मार्क्स का होता है। इस तरह अगर हम बात करें तो ये है वो स्कोर जो डिफरेंट अलग अलग चरणों में हम देखते हैं कि आईएएस एग्जाम के दौरान हमारे सामने होते हैं। देखिए, सबसे पहले प्री 400 मार्क्स का, मेंस 1750 मार्क्स का, इंटरव्यू 275 मार्क्स का। अब बात आती है कि अगर हम इस एग्जाम को देखें तो यहां पर सिविल सर्वेंट या फिर आईएएस बनने के लिए इन तीनों चरणों में किसके नंबर जुड़ेंगे, ये क्वेश्चन हमारे सामने सबसे पहले आता है। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें मेंस और इंटरव्यू का नंबर ही आपकी फाइनल रैंकिंग में जोड़ा जाएगा। अगर आप सोचें कि आप आईएएस बनना चाहते हैं तो इन तीनों चरणों में से किसका नंबर वैल्यू करता है, तो बताना चाहूंगा कि इसके लिए केवल आपका इंटरव्यू और मेंस का ही नंबर इसमें जुड़ेगा। अगर हम देखें तो ये दोनों मार्क्स को जब ऐड करते हैं तो ये होता है अप्रॉक्स 2025 मार्क्स का। तो इस तरह हमारा जो आईएएस एग्जामिनेशन है वो 2025 नंबरों का होता है। अब जिस बच्चे ने इस एग्जाम को दिया या अटेम्प्ट लिया और उसने प्री एग्जाम फेस किया, फिर मेंस और इंटरव्यू, तो उसकी टोटल मार्किंग 2025 मार्क्स में ही होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस टोटल स्कोर में आपने जितना भी स्कोर पाया होगा उसके आधार पर आपकी रैंकिंग डिसाइड होगी और जो स्कोर के अकॉर्डिंग आपको आईएएस, आईपीएस या फिर आईएफएस या अदर सर्विसेज अलॉट होंगी। आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसके बाद अन्य कई सेवाएं होती हैं जो आप जिसमें कि आप जा सकते हैं।
हर साल लगभग इसकी 1000 वैकेंसीज होती हैं अप्रॉक्स, जिसमें कि पूरे देश से स्टूडेंट बैठते हैं और फाइनली अप्रॉक्स 1000 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, जिसमें कि जितनी भी सीटें आईएएस की होती हैं उस अकॉर्डिंग सबसे टॉप मोस्ट रैंकिंग रखने वाले बच्चों को आईएएस अलॉट होता है, देन आईपीएस और फिर उसके बाद आईएफएस। तो इस तरह हमने जाना कि एग्ज़ाम जब हम देते हैं तो हमारा मेंस और इंटरव्यू की स्कोर ही सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जबकि प्री को क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के दर्जे में रखा गया। मतलब प्री एग्ज़ाम सिर्फ इसलिए यूपीएससी कंडक्ट कराता है जिससे वो छांट पाए कि कौन सा बच्चा रियल सेंस में आईएएस के मेंस एग्ज़ाम में बैठने योग्य है, इससे ज़्यादा प्री का कोई महत्व तो नहीं होता। तो दोस्तों पहली रणनीति हमारी यहीं पे बनेगी, पहली स्ट्रैटजी यहीं पर बनेगी। जब हम आईएएस की तैयारी करने जाते हैं तो हमारा पूरा फोकस केवल प्री पे होता है, जबकि जो हमारी स्कोरिंग काउंट होगी, जो हमारे स्कोर काउंट होंगे वो होते हैं मेंस और इंटरव्यू के आईएएस बनने में। तो इसलिए हमारा पूरा फोकस जो होना चाहिए वो तैयारी के शुरुआती दौर में मेंस पर होना चाहिए, और फिर धीरे धीरे जब हम एग्ज़ाम के पास आते हैं, जब आपके प्री एग्ज़ाम पास आते हैं तो आपकी स्ट्रैटजी धीरे से प्री एग्ज़ाम की तरफ मोल्ड हो जानी चाहिए। तो इस तरह सबसे पहले हम जान पाए कि हमारी तैयारी की शुरुआती अप्रोच क्या हो सकता है। अब बात आती है, लेकिन फिर भी प्री एग्ज़ाम है तो महत्वपूर्ण, क्योंकि अगर आपने प्री नहीं क्लियर किया तो आप मेंस तक पहुंच नहीं पाओगे। तो ऐसे में बात आती है कि आखिर प्री एग्ज़ाम क्या होता है, ये कैसे दिया, इसमें कितने स्कोर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो पहली बात हमारी क्लियर हो गई कि जिस एग्ज़ाम को आप आईएएस बोलते हैं एक्चुअली वो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, यूपीएससी कंडक्ट कराती है, 3 फेजेस में ये एग्ज़ाम कंप्लीट होता है और इसमें मेंस और इंटरव्यू का ही स्कोर आपकी रैंकिंग में जुड़ता है, जो टोटल होता है 2025 में आपने कितना पाया है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको आईएएस आईपीएस और आईएफएस की रैंक अलॉट की जाती है। हर साल टोटल 1000 वैकेंसीज आती हैं। प्री एग्ज़ाम इसका जनरली हर साल जून में कंडक्ट कराया जाता है, मेंस एग्ज़ाम इसका जनरली सितंबर में कंडक्ट कराया जाता है, और उसके बाद दिसंबर जैन में आपका इंटरव्यू और देन फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह दोस्तों हमारे ये एग्ज़ाम जो सिविल सर्विसेज के हैं, जिसके 3 फेज हैं, इसको हम इन 3 स्टेप में कंप्लीट करते हैं, और ये है उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये रही हमारी पहली बात। अब हम ये ध्यान देंगे कि आखिर प्री क्लियर करने के लिए हमें कितना स्कोर चाहिए, मेंस क्लियर करने के लिए हमें कितना स्कोर चाहिए, और इंटरव्यू क्लियर करने के लिए कितना स्कोर चाहिए। दोस्तों अगर हम पिछले 5 सालों का ट्रेंड देखें तो जैसा कि हमने देखा प्री 400 मार्क्स का होता है। 400 मार्क्स में 2 पेपर कराए जाते हैं प्री में। पहले को बोलते हैं जीएस, जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन, और दूसरा पेपर होता है सीसैट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सिविल सेवा का बुद्धि परीक्षण। दोस्तों अगर हम देखें तो 200 मार्क्स का हमारा जीएस का पेपर होता है प्री में, और फिर उसके बाद 200 मार्क्स का सीसैट का पेपर होता है। ये दोनों पेपर एक ही दिन होंगे, मींस 2nd of June 2018 के बारे में बात करें तो इसमें आपका 2019 के बारे में, तो 2nd June इसके लिए डेट फिक्स की गई है। तो 2nd June को जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे कि जीएस का जो पेपर है वो आप सबसे पहले देंगे, कि 2 घंटे का पेपर होगा, और उसके बाद आपका एक ब्रेक होगा, और उसके बाद हम सीसैट का पेपर देंगे। तो इस तरह एक ही दिन में ये दोनों पेपर होंगे। ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें सीसैट पूरी तरह क्वालिफाइंग होता है, मींस जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे और अपना प्री अटेम्प्ट कर रहे होंगे, प्री एग्जाम दे रहे होंगे, तो आपको ये दोनों पेपर देने होंगे। लेकिन जब इसके नंबर काउंट करने की बारी आएगी कि प्री आप क्लियर कर रहे हो कि नहीं, तो सबसे पहले कॉपी चेक होगी सीसैट की, और देखा जाएगा कि क्या आप इसमें टोटल में 33% पा रहे हो या नहीं।
अगर आपका 33% स्कोर नहीं आता तो आपकी जीएस की कॉपी चेक नहीं होगी, लेकिन अगर आप ये 33% स्कोर कर लेते हो तब आपकी जीएस की कॉपी चेक होगी। और फिर आपने जीएस में कितना स्कोर किया है इसी के आधार पर डिसाइड होगा कि आप प्री एग्जाम को क्रैक करके आगे बढ़ रहे हो या नहीं। मींस कि प्री एग्जाम में आपका सीसैट का सेगमेंट भी क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है। मींस आपको इसमें केवल 33% स्कोर करना है, और अगर आप ये करते हैं तो आपकी जीएस की कॉपी चेक होगी, और इसमें जितना भी आप स्कोर करते हैं उसके बेस पे डिसाइड हो जाएगा कि आप प्री एग्जामिनेशन क्लियर कर रहे हैं या नहीं। बात आती है कि आखिर 200 स्कोर जो इसका है जीएस का, इसमें मैक्सिमम हमें कितना पाना चाहिए। तो याद रहे अभी तक जो इसका जनरल कट ऑफ जा रहा है वो 105 to 107 ये जाता है, लेकिन जब से ये पैटर्न चेंज हुआ है उसके बाद एक बार इसका स्कोर लगभग 116 के करीब भी जा चुका है। मींस किसी भी हालत में अभी तक मेरिट 116 से ऊपर नहीं गई है। तो अगर हम अपनी तैयारी कर रहे हो तो हमारा अप्रोच ये होना चाहिए, लगभग हमारा 55 to 57 क्वेश्चन अगर हम इसमें सही कर लेते हैं, क्योंकि जीएस में टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100, जिसमें हर एक क्वेश्चन का स्कोर होता है 2, तो अगर हम इसमें से 55 क्वेश्चन सही कर लें तो चांसेस हैं कि हम सिविल सर्विसेज का प्री एग्जाम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो मींस प्री एग्जाम में आपको 100% क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसमें 55% भी क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए हमें यहाँ पर इस अप्रोच को बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि प्री एग्जाम हमारे लिए सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है, और उसमें भी जीएस को क्वालिफाई करने के लिए हमें केवल और केवल 55 क्वेश्चन सही करने हैं 100 में। अगर हम ये कर लेते हैं तो हम अपने मेन फेज में आ जाएंगे, जिसे आप मेंस कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह हमने देखा कि आज तक प्री का कट ऑफ कितना गया है और प्री के स्कोर कितने हमें चाहिए होते हैं अगर हम क्लियर करना चाहें। अब बात आती है मेंस में। दोस्तों अगर मैं मेंस और इंटरव्यू की बात करूं, क्योंकि आपकी जो रैंकिंग बनती है मेंस और इंटरव्यू को जोड़कर बनती है, इसी से डिसाइड होगा कि आप आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे या आईएफएस बनेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि पिछले अगर हम 2013 से जब से कि आपका ये बदले हुए पैटर्न पे एग्जाम हो रहा है से 2018 तक जो स्कोर आ चुका है उससे ये डिसाइड होता है कि अभी तक जो टॉपर का स्कोर है वो हाईएस्ट 1126 तक गया है। मींस ये टोटल स्कोर को अगर हम जोड़ें तो 2025 में अभी तक टॉपर ने हाईएस्ट 1126 इतना ही स्कोर पाया है। और अगर इससे पहले हम देखें तो कई बार गौरव अग्रवाल के समय ये 1000 भी टच नहीं कर पाया जब उन्होंने टॉप किया था। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अभी तक मैक्सिमम 1126 तक हमारा जो टॉप स्कोरर रहा है वो जा सका है। तो अगर हम ये डिसाइड कर लें कि आईएएस में 55% पे टॉपर है, अप्रॉक्स 55% पे टॉपर है, तो इससे हमारा एक बड़ा टेंशन रिलीज हो सकता है। क्योंकि जनरली जब हम देखते हैं और मेंस का सिलेबस यूपीएससी देखते हैं तो बहुत लेंदी रहता है, और हम टारगेट करते हैं कि इसके हर सेक्शन से हमें क्वेश्चन करने हैं और 100% क्वेश्चन करने हैं। जनरली बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते कि यूपीएससी एग्जाम के साथ साथ आपका धैर्य भी चेक करता है। वो चेक करता है कि असफलता के बाद भी कौन इस एग्जाम में जमा रह सकता है। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अभी तक जो टॉप स्कोरर है वो इतना है, जबकि बच्चे कोशिश करते हैं कि हम 2025 में 2025 पा जाएं। तो पहली हमारी कोशिश होनी चाहिए, जैसा मैं समझ सकता हूं हर एस्पायरेंट के मन में होगा, कि हमें इस एग्जाम को टॉप करना है। तो दोस्तों टारगेट आपके सामने क्लियर है। पिछले 5 सालों में अगर हम देखें तो ये हमारा टॉप स्कोरर जो रहा आज तक, हर साल के टॉपर को हटाने के बाद हम देखें तो ये रहा, और ये स्कोर पाया है अनुदीप शेट्टी ने, जो आपके इस बार के एग्जाम के टॉपर है।
तो दोस्तों इस तरह हमारे माइंड में एक चीज क्लियर हो गई कि जब भी हम आईएएस की तैयारी करें तो हमें एक बहुत ही लेंथी सिलेबस दिखता है, लेकिन अगर हम अपने 55% को अपने जीवन का आधार बनाएं, इस तैयारी का आधार बनाएं, तो हमें आईएएस बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो इसलिए जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो जनरली ना सिलेबस देखते हैं, ना ही उन्होंने पिछले कट ऑफ की स्टडी कर रखी है, तो ऐसे में सीधे तैयारी करना ये कहीं से भी एक उचित स्ट्रैटजी नहीं मानी जाएगी। तो सबसे पहली ज़रूरत है कि हम पिछले जो प्रीवियस ईयर्स रहे उनमें क्या क्या कट ऑफ आया है, किसका कितना कट ऑफ था, प्री का कट ऑफ कितना गया है, मेंस का कट ऑफ क्या गया है और इंटरव्यू का कट ऑफ क्या गया है, इसकी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए जिससे हम उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रैटजी बना पाए। तो ये रही हमारी दूसरी बात कि इस एग्जामिनेशन में कट ऑफ क्या जाता है, क्या आज से पहले हमने जितने भी एग्जाम दिए क्या हमने उनमें 55% गेन नहीं किया है? बिल्कुल किया है, लेकिन हमारे सामने एक आईएएस हवे के रूप में होता है, हमें लगता है कि इट इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क, इसलिए हम धैर्य खो देते हैं और अपनी रणनीति को पूरी तरह लागू करने का प्रयास नहीं करते। और यही एक कारण है कि एक आसान लक्ष्य होते हुए भी हम इस एग्जामिनेशन को अभी भी दीवा स्वप्न के रूप में देख रहे हैं। तो ये दूसरी बात हुई कि आईएएस के एग्ज़ाम में कट ऑफ क्या है। हमने पहली बात की थी कि जब हम आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें हमारी रैंकिंग में कौन से सेक्शन जुड़ते हैं, मेंस और इंटरव्यू मैंने बताया, और दूसरी बात हमने सीखी कि इसमें हमारा टास्क क्या होना चाहिए, 55%। ठीक है दोस्तों, अब हम तीसरे चरण की तरफ आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे कि आखिर प्री में कितने पेपर होते हैं, मेंस में कितने पेपर होते हैं, हमें इनके बारे में क्या बेसिक जानकारी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जब हम इस तीसरे बिंदु की तरफ आगे बढ़ते हैं, जब हम प्री की बात करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया इसमें दो पेपर होते हैं, एक है जीएस जिसे आप सामान्य अध्ययन या जनरल स्टडीज के नाम से जानते हैं, दूसरा है सीसैट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। दोस्तों यहां पे अगर हम बात करें जीएस की, तो जीएस की एक खास चीज है कि जब आप कहते हैं जीएस क्या होता है, सामान्य अध्ययन क्या है, तो एक जनरली अवेयर नागरिक को आसपास की जिन चीजों के बारे में ज्ञान होना चाहिए उतना ही ज्ञान अगर एक स्टूडेंट को है तो मान लीजिए कि उसने जीएस की तैयारी पूरी और अच्छी तरीके से कर रखी है। अब अगर हम बात करें जीएस में क्या क्या चीजें आती हैं, तो जैसे एक जनरली अवेयर पर्सन को हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए, ज्योग्राफी के बारे में जानना चाहिए, देश की इकोनॉमिक्स के बारे में जानना चाहिए, इकोनॉमी कैसे चल रही है, इसी तरह उसको देश में करंट में क्या क्या चीज़ें चल रही, क्या क्या अपडेट आ रहे हैं उनके बारे में जानना चाहिए, करंट अफेयर्स जानना चाहिए और साइंस। इन सब चीज़ों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसी को जीएस का नाम दिया जाता है। जी हाँ, जीएस कोई अपने आप में एक सेपरेट सेक्शन नहीं है, ये एक वो सेक्शन है जिसमें कि यूपीएससी देखता है कि व्यक्ति अपनी आसपास की चीज़ों में कितना अवेयर है, उनके बारे में कितना अवेयर है। तो जीएस में मेनली आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर एंड साइंस का सेगमेंट देखना होता है। बिल्कुल, तो इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं और इन्हीं से रिलेटेड जब 100 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं 200 मार्क्स में, और ये पूरी तरह से क्या होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं। सब्जेक्टिव मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मतलब बहुविकल्पीय होते हैं। आपको क्वेश्चन दिया होगा, नीचे उसके ऑप्शन होंगे, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को टिक करना होगा। मींस यहां पर बच्चे के पास अगर थ्योरेटिकल नॉलेज है तो वो प्री को क्लियर करने के काफी करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखने की है कि आईएएस के जितने भी प्री में भी क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, जिनको करने के लिए आपको उनकी बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए। तो यहां पे मैं आपको दूसरी रणनीति बताता हूं कि अगर किसी स्टूडेंट ने केवल फैक्चुअल रट के किसी तरह प्री निकाल भी लिया तो मेंस में उसका कोई भला नहीं होने वाला।
इसीलिए इस एग्ज़ाम में पहले आपकी तैयारी जिस फोकस में होनी चाहिए वो फोकस होना चाहिए मेंस पे, जिससे आप उसके सभी कॉन्सेप्ट को समझ रहे हों, तभी आप यहाँ पर आकर जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। दूसरे क्रम में सीसेट की बात करें, सीसेट का क्वेश्चन, सीसेट का पेपर भी 200 मार्क्स का होता है। आपको इसमें टोटल 33% पाना होता है क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें आपसे, क्योंकि बुद्धि परीक्षण से संबंधित है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट से संबंधित है, सिविल सेवा बुद्धि परीक्षण से संबंधित है, तो यहां पर हमसे पूछा जाता है मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, गद्यांश पद्यांश, इस तरह के सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे वो आपकी जनरल अवेयरनेस, आपकी समझ सके कि आप इंटेलेक्चुअली कितने स्ट्रांग हैं। तो इस तरह से दोस्तों इन दो स्टेप में यूपीएससी हमारी परीक्षा लेता है, जिसे हम प्री एग्जामिनेशन का नाम देते हैं। देख रहे हैं जैसा कि सीसेट में तो केवल हमें 33% पाना है, और जब जीएस की बात करते हैं तो यही डिसाइड करता है कि हमारा प्री क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो यहां पर हमने जैसा देखा कि 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 200 मार्क्स में, तो अगर हम यहां 200 मार्क्स में 110 के अप्रॉक्स स्कोर कर रहे हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि हम सेफर साइड में हैं, हमारी, हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। क्योंकि एक ही बार ऐसा हो पाया है अभी तक कि मेरिट कट ऑफ इसका जा गया है 116, उसके पहले ये 105 से जनरली 107 के बीच में रहता है। तो यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बस एक सधी हुई रणनीति के साथ अपने लक्ष्य को हासिल करना हमारा सबसे प्रमुख नीति होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम अनुदीप शेट्टी, जो कि टॉपर रहे हैं इस बार, उनके स्कोर को ध्यान से देखें तो उन्होंने भी प्री में जीएस में 105 से 6 के बीच स्कोर किया है, और ऐसे में कट ऑफ के बिल्कुल पास थे। अगर उनका कुछ भी स्कोर कम होता तो शायद वो प्री भी ना क्लियर कर पाते। तो ऐसे में हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर एक टॉपर की रणनीति इतनी सटीक रही कि उसने इस बात को समझा कि प्री क्वालिफाइंग होता है और उस पर ज़रूरत से ज़्यादा समय नहीं दिया जाना चाहिए, तो ये रणनीति सदैव कारगर होगी, ये हमें भी अपनानी चाहिए। अब आते हैं मेंस की तरफ। दोस्तों जब मेंस का एग्जाम हम देते हैं तो मेंस में टोटल 9 पेपर्स होते हैं, 9 पेपर्स। ध्यान देने वाली बात यह है कि मेंस में ये जो 9 पेपर होते हैं, इसमें जीएस के 4 पेपर होते हैं, 4 पेपर्स आपका, इसी के साथ एक ऑप्शनल पेपर होता है। ऑप्शनल पेपर, ध्यान रहे, ऑप्शनल पेपर जो आप एक लेंगे, चाहे आप हिस्ट्री लें, चाहे आप ज्योग्राफी लें, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस लें, जो भी ऑप्शनल लेंगे उसके 2 पेपर आपको देने होंगे, एक फर्स्ट पेपर और एक सेकेंड पेपर। तो इस तरह 4 पेपर जीएस के हो गए, ऑप्शनल का 2 पेपर हो गया, एक ऑप्शनल का 2 पेपर, तो 4, एक 5 और एक 6 पेपर हो गए। इसके बाद एक पेपर हमारा एस्से का होता है, किसी भी करंट इशू पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको उस पर अपने पूरे विचार निबंध के रूप में लिखने हैं, जिसका कोई बंधन ना हो, और एक क्रमबद्ध रूप से जब आप अपने विचारों को लिखते हैं तो उसी को एस्से बोलते हैं। तो इस तरह दोस्तों 4 पेपर, एक 5, एक 6 और एक 7 पेपर हो गए। आपकी जो रैंकिंग चेक होगी 1750 मार्क्स का, जो आपने देखा कि आपका मेंस होता है, तो इसमें से जीएस के 4 पेपर प्रत्येक 250 नंबर के हिसाब से 1000 नंबर के ये हो गए, 1000, फिर 250, और लास्ट में आपका एस्से पेपर 250। तो ये पूरी तरह से अगर आप देख रहे हैं तो ये हो गया 1750। तो ये वो पेपर है जिससे आप मेंस में चेक किया जाएगा कि आपकी समझ अपने सब्जेक्ट के लिए और जीएस के टॉपिक्स में कितनी है। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम बात करें तो ये आपका मेंस के 7 पेपर्स हैं, जिनमें कि आपके स्कोर को, आपकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है यूपीएससी के। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर आपने तो बात कही कि इसमें 7 पेपर्स नहीं 9 पेपर्स होते हैं,
और मैंने तो 7 पेपर्स में ही 1750 मार्क्स बता दिया। यस, तो यहां हमें ध्यान देना चाहिए कि इन पेपर्स के साथ यूपीएससी एक पेपर हिंदी और एक इंग्लिश का भी लेती है। अगर हम हिंदी का देखें तो ये टोटल 300 नंबर का पेपर होता है और ये भी 300 नंबर का। मेन रैंकिंग में इनका नंबर नहीं जुड़ता, लेकिन आपको इन दोनों पेपर्स में 25% स्कोर करना होगा। अगर आप ये स्कोर नहीं करते तो ये 7 पेपर्स जो आपके मेन आपने दिए हैं इनकी कॉपी चेक नहीं होगी। मींस आईएएस के मेंस में हिंदी इंग्लिश ये दो पेपर क्वालिफाइंग होते हैं, मतलब इनमें आपको 25% नंबर लाने होंगे। इनका कोई स्कोर नहीं जुड़ेगा। उसके बाद आपके जीएस की 4 पेपर्स में ऑप्शनल में ऐसे में आपने क्या किया, इसके बेस पे आपके स्कोर डिसाइड होगा और ये डिसाइड होगा कि क्या आप आईएएस का मेंस निकाल रहे हैं या नहीं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि जब प्री हमारा क्लियर होगा तो क्या सीधे हम मेंस में पहुंच जाएंगे? नहीं, जब आप प्री क्लियर करेंगे तो आपको इसके बाद डैफ एक फॉर्म है उसे भरना होगा, DAF। इसमें आपको फॉर्म में अपनी बेसिक जानकारियों को देते हुए कंप्लीट डिटेल देनी होती है। जब प्री एग्जामिनेशन निकलेगा तो उसी के साथ ये भी नोटिस निकलेगी कि आपका डैफ फॉर्म कितनी जल्दी यूपीएससी के वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा, और जब वो अवेलेबल होगा तो सभी को साइट से डाउनलोड करके उसे ऑनलाइन सबमिट करना होगा। तो दोस्तों, इसमें हम अपनी हॉबीज, अपनी सारी ऑप्शनल के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। फिर से एक बार रिपीट करूंगा कि सबसे पहले प्री एग्जाम के बाद आपको DAF, अगर आप प्री क्लियर कर रहे हैं तो DAF फॉर्म भरना होगा यूपीएससी की वेबसाइट से। इसके बाद आप जब वो फॉर्म भर देंगे और सबमिट कर देंगे, फिर आप अपने मेंस एग्जामिनेशन में जाएंगे, मेंस एग्जामिनेशन देंगे, और उसके बाद अगर मेंस आपका क्लियर होता है तो जो आपने डैफ फॉर्म भरा था जिसमें आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी हॉबीज तक की, उसी के आधार पर बाद में आपका इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें कि टोटल ये 1750 का स्कोर जा रहा है, इसमें हमारा अभी तक का खास स्कोर हमें कितना चाहिए? तो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर इस 1750 को हम स्कोर लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पर हमें एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है कि कैसे हम इसमें ज़्यादा स्कोर पा पाएँ, इसमें हम ज़्यादा स्कोर कैसे पाएँ, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो गया। तो दोस्तों, ये रहा मेंस का टॉपिक हमारे सामने। ये हमारे क्लियर हुए कि हमें टोटल 60 टॉपिक में ही हमारी मार्किंग की जाएगी। 2 टॉपिक हमारे ऐसे होंगे जो क्वालिफाइंग होंगे और इसमें अगर हम 25% सिक्योर करते हैं तो बाकी के 7 पेपर चेक होंगे। इन्हीं 7 पेपर को हम क्या कहते हैं, मेंस। टोटल ये पेपर कितने हो गए, 9। तो दोस्तों, यहाँ पर बात ये आ गई कि आखिर मेंस की तैयारी कैसे करें। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मेंस की तैयारी करते समय हमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। इसमें कई ऐसे बच्चे होंगे जो आर्ट्स बैकग्राउंड से या ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से होंगे, दूसरे होंगे जो साइंस या कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे। तो जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं उन्होंने जनरली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सभी टॉपिक्स को पढ़ रखा होता है, और जो आपके साइंस बैकग्राउंड से होते हैं उनके साथ ये सारा कुछ नया होता है। तो इसीलिए दोनों की तैयारी का तरीका एक नहीं हो सकता पूरी तरह, लेकिन फिर भी अगर हम कहें कि तैयारी का एक स्टैंडर्ड तरीका क्या होगा, तो दोस्तों सबसे पहले ज़रूरी होती है 6 to 12 तक की NCERT की बेसिक नॉलेज। इससे जहां पर भी गैप रह गया है, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम की वजह से हो, चाहे फिर समय की वजह से हो, या हमारा अटेंशन पे ना करने की वजह से हो, वो सारा गैप हमारा पूरी तरह भर जाएगा। इसके बाद जो तैयारी हमारी की जानी चाहिए उसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले हमारा मेंस का सिलेबस जो यूपीएससी द्वारा प्रोवाइड किया गया है हमारे सामने होना चाहिए। मेंस का वो सिलेबस हमारे सामने है, आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका लिंक भी हम आपको नीचे प्रोवाइड कर देंगे जिससे कि आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मेंस के इस सिलेबस को जब आप आसानी से क्लोजली पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि यूपीएससी की डिमांड क्या है। जैसे जनरली मैं एक अगर एग्जांपल लूं तो मेंस में हिस्ट्री के संबंध में कुछ अजम्पशन हमारे पहले से बने होते हैं। हिस्ट्री में हमें पता होता है कि एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, ये सब कुछ पढ़ना है। तो बच्चा एक मोटी सी किताब ले आता है और एंशियंट हिस्ट्री से शुरू कर देता है।
जबकि अगर वो सिलेबस की स्टडी करे तो वहाँ साफ लिखा है कि एंशियंट मेडिवल इन दोनों सेगमेंट से केवल लिटरेचर आर्ट फॉर्म एंड आर्किटेक्चर के सेगमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना कि इन डेप्थ पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों अगर हम इतना जान जाएं तो जनरली जो हमारी पढ़ाई का स्टैंडर्ड होता है, हम लोग क्या करते हैं कि पॉलिटिकल हिस्ट्री को खूब डिटेल में पढ़ते हैं और उसके बाद जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे लिटरेचर, किसी किंग ने लिटरेचर के क्षेत्र में क्या किया, साहित्य के क्षेत्र में क्या किया, आर्किटेक्चर में उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, या फिर उसने कौन से आर्ट फॉर्म डेवलप किए, उस पर हम क्या हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, जबकि सिलेबस में यही सबसे प्रोमिनेंटली दिया गया है। अगर मैं सच कहूं तो आज जो आपका प्री का पेपर होता है वो कहीं ना कहीं इसी मेंस के सिलेबस से निकल कर आता है। जनरली अब आपका आईएएस का प्री हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि जो आपका यहाँ जीएस के चार पेपर दिए गए हैं उन पे बेस्ड होता है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारे लिंक पर जाएं और यूपीएससी के जो सिलेबस है उसे डाउनलोड करें और उसका डीपली एनालाइज करें उसे, जिससे कि आप समझ पाएं कि यूपीएससी डिमांड क्या कर रहा है। और 90% केसेस में आप देखेंगे कि आपके सिलेबस में दिया गया वो पर्टिकुलर लिंक, एक लाइन जो मेंशन है, सीधे सीधे यूपीएससी उस पर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसे लोगों की जो यूपीएससी को अनप्रेडिक्टेबल सिविल सर्विसेज कहते हैं, उन्हें मैं पूरी तरह से इंश्योर करना चाहता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जाकर वो लोग लिंक पर यूपीएससी द्वारा मेंस का जो सिलेबस अपडेट किया गया है उसे देखें, क्योंकि उसे देखने से आप जान पाएंगे कि जो भी सिलेबस दिया है पिछले 5 सालों में उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे 70 से ऊपर, और जबकि टॉप करने के लिए हमें 55% ही स्कोर चाहिए। तो दोस्तों अगर हम देखें टोटल स्कोर 55% चाहिए और 70% से ज़्यादा आपका सीधे सीधे सिलेबस से लिंक होता हुआ क्वेश्चन आ रहा है मेंस में, तो हमें ध्यान ये देना चाहिए कि अगर हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए। आप सबसे पहले सिलेबस की स्टडी करें, फिर उसके बाद जब सिलेबस आपको पूरी तरह, इसको कि सिर्फ एक बार देखना नहीं है, आपको शुरू के एक महीने तैयारी के दौरान डेली सिलेबस को देखना चाहिए ताकि एक छोटी से छोटी बात आप इसकी समझ पाए। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसे लिंक करिए कि ये क्वेश्चन अगर 2013 में आया है तो आखिर हमारे सिलेबस में ऐसी कौन सी लाइन लिखी थी जिसकी वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है, और आप देखेंगे कि 2013 से 18 तक आते आते आपके दिमाग में वो जो आपके सामने एक भ्रम था कि आईएएस कभी नहीं क्लियर हो सकता, वो बहुत आसानी से बिल्कुल दूर हो जाएगा और आप ये समझ पाएंगे कि इसका एक सेट पैटर्न है जहाँ से क्वेश्चन बनना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि तैयारी शुरू करने से पहले हम सबको सबसे पहले यूपीएससी द्वारा दिए गए सिलेबस को ध्यान से देखना चाहिए। दूसरी बात, जब हम आगे बढ़ें तो हमें यहाँ पर एक चीज़ और देखनी चाहिए, वो ये कि सिलेबस के साथ साथ हमारी नज़र प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे भी होनी चाहिए। लेकिन ये जो स्ट्रैटजी मैं बता रहा हूँ ये केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ एप्लीकेबल है जिन्होंने एक बार यूपीएससी के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ रखा है या उन्हें इन टॉपिक्स के बारे में बेसिक जानकारी है। जो बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट हैं उनके लिए रेस आईएएस फाउंडेशन बैचेस प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें हम उनको पहले बेसिक नॉलेज देंगे जिसके बाद वो जान पाएंगे कि आगे उन्हें तैयारी को दिशा कैसे दे दी है और उसके बाद उन्हें ये सारी चीज़ें लेकर चलनी, क्योंकि जब तक आपके पास कोई बेसिक नॉलेज नहीं होगी तब तक आप उन सिलेबस और उन क्वेश्चन पेपर को भी ठीक से एनालाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन तैयारी शुरू करने का पहला मूल मंत्र यही है जहां से आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि जब आपको एक दिशा क्लियर होती है कि हमें यहां तक पहुंचना है तभी हम उस दिशा में आगे बढ़ पाते हैं और तभी हम कभी ना कभी अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हुए उसे छू सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह हमें मेंस पे ध्यान देना है और उसके बाद इंटरव्यू पूरी तरह से आपका एक पर्सनालिटी टेस्ट है जिसमें कॉन्फिडेंटली आपको अपनी बातों को सामने रखना है, और उसके बाद जो टोटल स्कोर मिलेगा आपको मेंस और इंटरव्यू का उसी के बेस पे आपकी रैंकिंग डिसाइड हो जाएगी कि आप आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं या फिर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह ये थी आईएएस की वो बेसिक जानकारी जो हमने बिगनर्स के लिए स्पेशली इस वीडियो प्रोग्राम को बनाया है। अब बात आती है कि अगर हम मेंस देख रहे हैं तो आखिर मेंस और प्री में अंतर क्या है।
दोस्तों जब IAS के मेंस की हम बात करते हैं तो IAS के मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़ा ट्रिकी होते हैं। अगर हम इसके साथ आपको पूरी किताब दे दें तब भी आप उसके साथ उन किताबों की मदद से भी उन प्रश्नों का सीधे सीधे उत्तर नहीं दे सकते अगर आपकी बेसिक समझ नहीं है। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल लूँ, क्वेश्चन अभी आपसे पूछा गया कि बताइए कि भारत में लॉर्ड डलहौजी को, भारत को आधुनिक बनाने में लॉर्ड डलहौजी का रोल क्या है। या दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया गया, रेलवे लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडिया, रेलवे ने आधुनिक भारत की नींव डाली। अब जनरल एक स्टूडेंट होगा तो वो लिखना शुरू करेगा कि हाँ हाँ रेलवे ने हमारे साथ ये चीज़ें हमको दी और इस तरह से रेलवे ने आधुनिक भारत की नींव डाली। लेकिन अगर हम इसे क्रिटिकली एनालाइज करें तो हम देख सकते हैं कि किसी एक चीज़ को, किसी एक परिणाम को पाने के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते, या हम पूरी तरह किसी एक चीज़ को क्रेडिट नहीं दे सकते कि उसने भारत को मॉडर्नाइज किया। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले रेलवे की कमियों को लिखना था कि आखिर उन्हें स्थापित करने में अंग्रेजों का क्या मोटिव था, और एक लाइन मेंशन करनी थी कि माना रेलवे ने भारत को कुछ आधुनिक बनाने में रोल प्ले किया लेकिन इसके पीछे अंग्रेजों का ये हित था। तो इस तरह हम इसको कंक्लूड करेंगे। तो इस उत्तर को लिखते समय हमें सब्जेक्ट पे पूरी समझ होनी चाहिए। तो IAS की तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है समझ, ना कि किसी टॉपिक को रटना। तो दोस्तों आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में हम आपके साथ मेंस की तैयारी कैसे करें उसकी डिटेल एनालिसिस प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू।